हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन एलिमेंट्स के बीच होती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मेनली आपकी किस में होती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। किस में होती है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में या कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ओके, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब दो एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो इनका क्या बन जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर हम देखें इन दो एटम्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कर रहा है। इन दो एटम्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कर रहा है। बट अगर आपने देखा होगा, मान लो मैंने क्या कर दिया, पानी ले लिया, मैंने क्या कर दिया, किसी कंटेनर में पानी ले लिया। अब होगा क्या, वहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। तो दो एटम्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड करता है। वैसे ही दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है जी। जैसे कि आपको पता है, इसने भी स्टेबल होना है तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है तो जो दो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूं, एक मॉलिक्यूल ये है, इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम कौन करते हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस काम करती है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है जी। और जो ये फोर्सेस होती हैं ये क्या होती है, बेचारी जैसी बहुत वीक होती है। तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, वो भी क्या एक तरह की वेंडर वॉल फोर्स है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की शुरुआत हम करते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन का जो रोल है वो वहाँ पर है ही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और किन किन एलिमेंट्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो है आपका HF मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? HF। और एक और मेरे पास मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी स्टेबल होना था, फ्लोरीन ने भी स्टेबल होना था, तो दोनों ने क्या कर दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हर एक एटम जो होता है उसकी टेंडेंसी इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है फ्लोरीन, तो दोनों की टेंडेंसी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। तो होगा क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम। दोनों ने क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए थे, दोनों के बीच में होने चाहिए थे। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाते हैं, जो ये आपके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हल्के से क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, हल्की सी जो इनकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो किसकी तरफ के लिए हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बीच में रहने चाहिए थे, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, हल्के से इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जैसे ये इधर शिफ्ट होंगे तो फ्लोरीन के चारों तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो दो भाई हैं,
मान लो कितने भाई हैं, दो भाई, ठीक है जी, एक है बड़ा भाई एक है छोटा भाई, ओके जी। अब हुआ क्या, इसके पास भी थे 50 रुपये, इसके पास भी थे 50 रुपये, तो दोनों क्या चले गए शाम के टाइम दुकान चले गए, दोनों क्या चले गए शाम के टाइम दुकान चले गए, मम्मी ने क्या किए दोनों को 50-50 रुपये दे दिए। अब जब वो शाम के टाइम दुकान गए तो उन्होंने क्या किया, 100 रुपये की क्या खरीदी, चिज्जी, लेज, कुरकुरा, टका टक, जो भी चीज़ें आप खाते हैं, तो इन्होंने क्या कर दी, 100 रुपये की चिज्जी ले ली, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था, 50 रुपये का सामान इसको मिलना चाहिए था, 50 रुपये का सामान इसको मिलना चाहिए था, ठीक है जी, क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर पैसे शेयर किए थे, ठीक है। बट हुआ क्या, टाइम था रात का, तो जो ये बड़ा भाई है ये क्या करने लग गया, इस छोटे भाई को डराने लग गया, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा हो गया है, तो ये क्या लग गया, इसको डराने लग गया कि तेरे पास भूत आ जाएगा, तेरे पास ऐसा हो जाएगा अगर तूने मेरे को ज़्यादा चीज़ी ना दी, तो होने क्या लग जाएगा, शाम का टाइम था, तो ये क्या लग जाएगा, इसको डराने लग जाएगा, तो डराने लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेचारा ऐसा डर जाएगा, ठीक है। तो जो ये चाहेगा वही वहाँ पर क्या होगा, होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा, तू अपने हिस्से की चीज़ी भी क्या कर दे, मुझे दे दे। तो हुआ क्या, ये बड़ा था ये छोटा था, तो उसकी वजह से हुआ क्या, इसने इसको डराने की कोशिश कर दी, क्योंकि अकेला तो घर नहीं जा सकता था, तो इसने क्या कर दिया, अपने हिस्से की चीज़ी भी इसको दे दी। होना क्या चाहिए था, 50 रुपये की चीज़ी इसको मिलनी चाहिए थी, 50 रुपये की चीज़ी इसको मिलनी चाहिए थी, बट शाम का टाइम था और इसने क्या कर दिया, इसको डरा दिया, इसको क्या कर दिया, धमका दिया, तो हुआ क्या, इसको क्या मिल गई, 80 रुपये की चीज़ी मिल गई, और इसको क्या मिली, सिर्फ 20 रुपये की ही चीज़ी मिली। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, दोनों ने क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने चाहिए थे, बीच में रहने चाहिए थे, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन ने क्या कर दिया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच दिया। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो सेम इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा आपका, ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल में जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन, आपका फ्लोरीन, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। और जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसका जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के इस एंड पे है नेगेटिव चार्ज, इस एंड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है। यह है मान लो कोई लड़का, उसको क्या दिख गई, कोई सुंदर कन्या दिख गई, तो जब उसको सुंदर कन्या दिख जाएगी तो उसे क्या करेगा, वो प्यार करेगा, उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे आपने ऐड में देखा होगा, जो आपकी परफ्यूम की ऐड आती है, ठीक है, तो जैसे क्या करता है वो बंदा परफ्यूम लगाता है तो लड़की क्या आ जाती है, उसके पास आ जाती है, ठीक है जी। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच, इसको बोला जाता है अट्रैक्टिव फोर्स को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसके इस वाले एंड पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है जी, ओके। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन मॉलिक्यूल्स के बीच होगी, पहली बात तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी कौन है आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच होती है, एक मॉलिक्यूल का कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और दूसरे मॉलिक्यूल का कौन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। इन दोनों के बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी, ओके। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच होगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है, अब उसकी बात कर लेते हैं,
ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में, एटम्स के बीच क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब जो आपका एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी, उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। तो मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है जी। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो होना क्या चाहिए, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है जी, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, इसका जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना साइज़ छोटा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जैसा कि आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज़ आपका छोटा होता है, साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सिर्फ तीन ही एलिमेंट बनाते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है जी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ये तीन एलिमेंट लगे हों और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन लगा हो तो उस इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा किस तरह से बनता है। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, H2O, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है जी। यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल देना ये ऑक्सीजन तो सीधा है, ये ऑक्सीजन तो टेढ़ा है, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है ये क्या है आपका, एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सेम यहाँ पे भी ऐसा होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच देगा, तो यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखिए, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो जो ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। अब जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या होती है, आपकी दो तरह की होती है, एक होती है आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है आपकी, जो आपकी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे हो रही है। इंटर मॉलिक्यूल का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी होगी उसको बोला जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। और दूसरी टाइप क्या है आपकी, इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो क्या हो रही है आपकी, सेम मॉलिक्यूल में हो रही है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रही है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है, उसको बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है जी। तो इसमें क्या होती है आपकी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, दोनों ने क्या बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ आ गया आपका पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव।
सेम अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह नहीं होता है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये आपका सिंपली क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो विद इन मॉलिक्यूल होती है, एक ही मॉलिक्यूल में होती है, उसको बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।